काली खांसी, इसी को कुकर खांसी कहते हैं। ये वाली जो खांसी है ज़्यादातर छोटे बच्चों को ही होती है और ये हीमोफिलस पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके जो लक्षण हैं, इसमें बच्चे को बड़ी ही दर्द के साथ में खांसना पड़ता है। दर्द भी होगा और बच्चे को खांसी भी आ रही होगी। और कई बार तो ऐसा देखने में मिलता है कि खांसे खांसे बच्चे टॉयलेट तक कर देते हैं, मल तक त्याग कर देते हैं। और खांसी मोस्टली ये पाया गया है तब बंद होती है जब बच्चे खांसते खांसते थोड़ा सा उनके ब्लड भी आ जाता है, तब जाकर के कहीं खांसी बंद होती है। इसमें बच्चे की डेथ भी हो जाती है अगर इसका ठीक से ट्रीटमेंट ना किया गया, इसमें देखभाल ना की गई तो। ख़तरनाक है ये। इसमें DPT का टीका लगवाया जा सकता है जिससे इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। तो पहले से पहले DPT का टीका लगा होगा तो उसकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। बहुत सारे बच्चे जो इनका जन्म होता है तो उनको बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं हर मंथ में, तो वो इसी टाइप की बीमारियों से बचाने के लिए होते हैं ताकि उनको पहले से पहले इम्यूनिटी मिली रहे और वो इस टाइप की बीमारियों से बचे रहें।